दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी और अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि लगातार अपडेट बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ राजा भैया ने तो समर्थन दिया ही, समाजवादी पार्टी के 3 सीटों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी 3 लोकसभा कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज का और ये तो उसका नुकसान होगा। लेकिन इसी बीच एक और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में 40 साल जो कि पद पर रहने के बावजूद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और ये सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही थी, लेकिन यह सीट भी अब अखिलेश यादव अपने फेवर में कर लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के फैसले ने एक बड़ा झटका दे दिया। पार्टी प्रमुख ने बुधवार को बस्ती लोकसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दया शंकर मिश्र को सपा में शामिल कराया। बड़ी अपडेट, अखिलेश के इस फैसले से बस्ती की सीट पर बीजेपी के लिए लड़ाई एक बार फिर कड़ी हो गई। नाको चना चबाना पड़ेगा। 40 सालों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे दया शंकर ने बीते महीने बहुजन समाज पार्टी जो ज्वाइन कर लिए थे। इसके बाद बसपा चीफ मायावती ने उन्हें बस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का प्रत्याशी भी बनाया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन 6 मई को बसपा ने इस सीट पर प्रत्याशी बदल दिया। पार्टी ने बस्ती सदर से विधायक रहे जितेंद्र चौधरी उर्फ नंदू चौधरी के बेटे लवकुश पटेल को उम्मीदवार बनाया, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी कि कुर्मी समाज का टिकट अखिलेश यादव ने पहले दिया था और यहां पर पंडित समाज के जो ये थे इनको बसपा ने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ताकि समाजवादी पार्टी के वोट में बिखराव हो और भाजपा को मदद मिले, तो इसलिए मायावती ने यहाँ पे कुर्मी समाज का ही प्रत्याशी दे दिया। इसकी चर्चा और हवा बनी हुई थी। आपको बता दें कि लवकुश पटेल को उम्मीदवार बना दिया, इसके बाद से ही माना जा रहा था कि दया शंकर बसपा का साथ छोड़ सकते हैं। सपा ने बस्ती से पूर्व काबीना मंत्री राम प्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा है। साल 2019 में राम प्रसाद चौधरी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें मौजूदा सांसद और बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के हाथों लगभग 30,000 मतों से हार मिली थी। इस चुनाव में सपा और बसपा का अलायंस भी था। आपको बता दें कि जब बसपा ने दयाशंकर को उम्मीदवार बनाया था, इसके बाद इस सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई थी। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच सपा नेता राम प्रसाद को अपनी राह आसान लग रही थी, लेकिन बसपा ने क्या डर है क्या कुछ है, इस तमाम ये सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खबर चली। आखिरी वक्त में बाजी पलट दी और उसी जाति के नेता को प्रत्याशी बनाया जो कि जो समाजवादी पार्टी के जिस जाति से नेता है, मतलब कुर्मी समाज से। हालांकि बसपा के मौजूदा प्रत्याशी लवकुश पटेल भी रिश्ते में राम प्रसाद के भतीजे लगते हैं। इन सबके बीच दयाशंकर का सपा के साथ आने से ब्राह्मण मतों में एक बार फिर बिखराव के आसार बताए जा रहे हैं। उनकी एक अच्छी पकड़ है ब्राह्मण समाज में। अगर ऐसा होता तो बस्ती से बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी और यहाँ पर मंसूबे जो बहुजन समाज पार्टी का है कि बस भारतीय जनता पार्टी को जो कि प्लस करने के लिए और समाजवादी पार्टी के वोटों में बिखराव करने के लिए जिस तरह से उसी जाति के प्रत्याशी कुर्मी प्रत्याशी को लास्ट में खड़ा किया, उसके भी मंसूबे पर बहुजन समाज पार्टी के पानी फिर सकता है दयाशंकर मिश्र के जो पार्टी में आने के बाद से। तो बड़ी अपडेट है, अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल फाइट टू फाइट करते हुए एक एक सीट पर समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की एक रीढ़ बन गए हैं अखिलेश यादव। जिस तरह से उनके फैसले और प्रत्याशी का चयन, जाति समीकरण, सारे समीकरणों को देखते हुए अखिलेश यादव ने जिस तरह फैसले ले रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।